मोस्ट वेलकम डिजिशंस, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिशन पर। डिजिशंस देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है और लगभग मान लीजिए ये तो डेट भी लगभग आपका आ गया है, वो 18 सितंबर को दिखाया जा रहा है और 27 जुलाई तक देखिए लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसे फिलअप कर लीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो वे लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म जरूर भर लें, ठीक है, ताकि वो लोग फॉर्म भरने से वंचित न रह जाएं, जिससे पिछली बार कुछ विद्यार्थी हुए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी इस बार न हो। ठीक है डियर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। और इसमें ये जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये यूपी ट्रिपल एससी का जो फर्स्ट शिफ्ट में, जानते हैं कि दो शिफ्ट में पेपर आप लोगों का हुआ था, तो पहले शिफ्ट में जो हुआ था पेपर आप लोगों का, मैं उसका पूरा का पूरा आप लोग को आंसर के साथ यहाँ पर ये पेपर का मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे ही पेपर कुछ आपका मिलता जुलता जो है आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उसमें आपको अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है डियर सर। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एकदम हम लोग आराम से चलेंगे और देखेंगे, और आप लोग जो नए विद्यार्थी भी होंगे वो भी इसमें ज्यादा प्रश्नों को जो है वो भी पहले से देखे हैं, देखे होंगे आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो जो आप लोग को मिलता है, देखिए ये आप लोग का ये 2 घंटे का समय मिलता है, उसके बाद 100 नंबर्स का इसमें आपका क्या होता है, मार्क्स होता है। तो यहाँ पर ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का समय जो है आप लोगों का कितने घंटे का है, देखिए याद रखिएगा 2 घंटे का है, ठीक है, ये 2 घंटे का आपका समय है, और उसके साथ ही साथ आपका जो मार्क्स टोटल जो दिया जा रहा है वो कितने नंबर का दिया जा रहा है, 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर और 100 नंबर का जो है आप लोगों का ये मार्क्स है, ठीक है। तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ से सिलेबस क्या क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस तो पहले जरूर देख लीजिए, किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तो वो मायने ज्यादा नहीं, वो मायने रखने के साथ ही साथ पहले तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपके सिलेबस में पूछा क्या जाएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पेपर जब आप लोग का मिले तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी चीजें पूछी जाएंगी कौन सी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, तो ये भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप लोग का ना बना रहे एग्जाम में। देखिए ये मॉडल सेट नंबर आपका 1 है और यहाँ पर ये निर्देशन में आप लोग को दिया जाता है, देखिए माइनस मार्किंग भी जो पेपर का आपका ये पूरा आप देख लीजिएगा जिस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये पूरी चीजों को हम लोग छोड़ते हैं। आइए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में, पहले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर डियर सर, देखिए ये जो हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले किस शासकों का कालानुक्रम का सही क्रम क्या होगा। देखिए भारत में जितने भी लोगों ने शासन किए इन 4 राजाओं में, तो उनके शासन का शासन क्रम क्या होगा, शेरशाह सूरी का, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। इसमें 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया डियर, विकल्प नंबर ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा इस पर हम लोगों को बातें करनी है। तो डियर अगर कालाक्रम के बारे में बात करें, देखिए तो दोस्तों देखिए सबसे पहले नंबर पर जो था वो इल्तुतमिश इनमें से आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर जो आप लोग का होगा इसमें वो अलाउद्दीन खिलजी की बात होती है, ठीक, और जानते हैं कि हुमायूं से शेरशाह से जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर शेरशाह युग की बात होगी, शेरशाह सूरी की, और लास्ट में जो होगा वो अकबर की बात होगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन जो दिया गया है ये पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ठीक है डियर्स, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले प्रश्न का ये जो आंसर होगा आप लोग का वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये चीजें देखने को मिलेंगी आप लोग को वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। और यहाँ देखिए ये जो है सेशन आप लोग का इम्पोर्टेंट, तो ये आपके पेपर के तो साथ साथ है ही, और उसके साथ ही साथ आपके कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी देंगे आप सी यू ई टी यूजी में बैठने वाले हैं, वहां पर भी यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो डियर्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उसके साथ ही साथ जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होंगे आपको वहां पर इन सभी प्रश्नों को देखने को, ये इन प्रश्नों को आप वहां पर भी आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर अपने दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए दिया गया है तुकाराम, विकल्प नंबर बी है चैतन्य, सी जो दिया गया है नामदेव, और डी जो दिया गया है शंकराचार्य। तो यहाँ जो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए तुकाराम जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर हम लोग, तो तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में अगर बात की जाए डिस्कस, तो विकल्प नंबर ए दिया गया लॉर्ड क्लाइव, बी जो दिया गया लॉर्ड वारन, लॉर्ड वारन,
सी जो दिया गया है यहाँ पर लॉर्ड लिटन दिया गया, और डी जो दिया गया है आप लोगों का इसमें लॉर्ड रिपन दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आप लोगों का वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो नियुक्त किया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जी साहब जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का ये। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये जो आपका तीसरा प्रश्न था और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को एक बार जरूर देख कर जाइएगा आप लोग इन सभी प्रश्नों को, और ये सभी प्रश्न जो होंगे आप लोग के अलग अलग कई जितने भी अलग कम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग के होंगे वहां पर भी ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर सन्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, चौथा हम लोग का प्रश्न जो दिया गया है चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया राजनीति से, बी जो दिया गया चिकित्सा से, सी दिया गया वास्तुकला से, और डी जो दिया गया गणित से। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता किससे संबंधित थी, चिकित्सा संबंधित थी ना, स्वास्थ्य मेडिसिन से संबंधित थी, पूरी की पूरी बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। ठीक है ना डियर, बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो डॉक्टरी लाइन की स्टडी वगैरह करते हैं जो बच्चे स्टूडेंट्स तो उनको इसके बारे में सिखाया भी जाता है और उनको ये बुक दिलाया भी जाता है कि चरक संहिता का भी ज्ञान उनको होना अनिवार्य है। ठीक है ना डियर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न इस साइड दिया गया है, तो पांचवें प्रश्न हम देखिए हम लोग का क्या है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये जो दिया गया विकल्प नंबर ए बी सी 261 कलिंग युद्ध, एडी 678 संघ संगमत की शुरुआत, एडी जो है 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, और एडी 1709 जो है औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इसमें जो पेयरिंग है वो इनकरेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है डियर सोस, तो यहाँ पर इसमें जो देखा जाए अगर, तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका दिया गया जो विकल्प है इस विकल्प में आपका जो राइट आंसर होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप भी। तो यहाँ पर डियर सोस जो राइट आंसर हो जाएगा ये पहला तो सही है आप लोग का, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का इसका मतलब क्या हो गया, आपका राइट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर जो इसमें डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा, तो डेट जो औरंगजेब का हुआ था वो 1709 में नहीं हुआ था, 1706 की बात होती है। ठीक है डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ज्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, आपके जो प्रश्न होते हैं वो इधर से उधर उधर से इधर आपके पूछे ही जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखने को तो मिलते ही हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से डिस्टेंस किसे जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ए जो दिया गया दादा भाई नौरोजी, बी जो दिया गया डब्ल्यू सी बनर्जी, सी जो दिया गया फिरोज शाह मेहता, और डी जो दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी साहब जो थे इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का और पॉपुलर क्वेश्चन है डिस्टेंस, और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है बढ़ते हम लोग अब आपके सातवें प्रश्न में, सातवां जो आपका प्रश्न पूछा गया था, सन 1915 से 16 के में किसने के नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई। तो दो प्रमुख जो नेता थे वो होम रूल लीग के कौन कौन है उनके बारे में हमें बताना है। विकल्प नंबर ए में जो दिया गया है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी हैं, बी में जो दिया गया तिलक है और लाला लाजपत राय जी हैं, सी जो दिया गया तिलक और विपिन चंद्र पाल जी हैं, और डी जो है तिलक और अरविंद घोष जी हैं। तो इसमें जो है डिस्टेंस एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न आप लोगों का, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने डिस्टेंस, और यहाँ पर इन प्रश्नों को आप अगर एक दो बार देख लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, आठवां जो प्रश्न हम लोग का है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, क्योंकि देखिए जब भी प्रश्न ऐसे मिलते हैं तो वहां पर एक दो प्रश्नों की तैयारी आपकी नहीं होती है, वहां पर आपकी कई प्रश्नों की तैयारी एक साथ होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक चीज की, यहाँ पर जो आप लोगों का है इस प्रश्न में, यहाँ पर देखिए इसमें आपका चयन करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो आइए प्रश्न को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ जो दिया गया आप लोग का प्रश्न है मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी दिया गया और इधर यहाँ पर पांच नाम आप लोग को दिए गए हैं,
यहाँ पर जो दिया गया आप लोग को मान लिया गया, देखिए ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ओके, श्रीधर रालू, नायडू, ज्योतिबा राव फुले। तो ट्रेडिशंस यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रह्म समाज की जब बात होती है यहाँ पर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात पहली निकल कर आती है ब्रह्म समाज की, देखिए रूप के रूप में जो है यहाँ पर कौन है, राजा राम मोहन राय जी है। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जो थे, देखिए स्वामी विवेकानंद जी गुरु थे, तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो बी का पहला हो जाएगा आपका। और जो सी जो दिया गया, सी आर्य समाज, तो आर्य समाज के रूप में जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बात आपको होता है। ठीक है डियर्स, अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, तो डी का जो आपका हो जाएगा वो 5 हो जाएगा ना, सत्य शोधक समाज के कौन है, ज्योतिबा राव फूले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हुए। यहाँ पर आपका एक ही प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 प्रश्न जो दिए गए हैं, 4 प्रश्नों की तैयारी आपका एक साथ हो गया। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के कौन है, स्वामी विवेकानंद जी, आर्य समाज के दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, और सत्य शोधक समाज के कौन हो गए, ज्योतिबा राव फुले जी हो गए। ये चारों का चारों जो प्रश्न है, चारों का चारों जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चारों में से कोई ना कोई आपसे निश्चित तौर पर हर बार एग्जाम में देखिए कोई ना कोई घूम के इधर उधर से वो कौन पूछ लिया जाएगा, ये कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं अपना। ठीक है, आइए आपको ऑप्शन हम लोग विकल्प को देखते हैं। विकल्प में आपका जो दिया गया था डियोशंस, तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो देखिए आपका, विकल्प नंबर इसमें जो सी दिया गया है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने मैं अब तो पहले भी मैंने आप लोग को उधर ड्रा करके दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न था। और 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पॉपुलर क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, जो है ऐसे नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सब सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे, सतर्कता देंगे, तो फिर आप लोग अपने पेपर में अच्छा कर जाएंगे। अब देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया, कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया। यहाँ विकल्प क्या दिया गया है, विकल्प में आपका विकल्प नंबर ए सरदार पटेल जी, बी जो है जवाहरलाल नेहरू, सी जो है महात्मा गांधी, डी जो है महात्मा गांधी जी। तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो अंतिम में क्रिप्स मिशन आया हुआ था, तो अंतिम में इन्होंने भी देखिए एकदम उपजिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने यह नारा दिया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी थे, लेकिन अंत में इन्होंने भी अपना सब्र तोड़ दिया और कह दिया कि अब करो या मरो। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा है इतिहास में, कभी मैंने बात भी किया हुआ गांधी जी पर, जब जाकर वहां पर देखें तब आपको पूरा गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, ये 9वां आपका प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। विकल्प नंबर ए जो दिया गया जवाहरलाल नेहरू, बी जो दिया गया पट्टाभी सीतारमैया, सी जो दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी जो दिया गया जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो ये प्रस्ताव जो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। ठीक है ना, कि चलिए अब आपको इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था, या आपको यह अध्यक्ष पद मिलता है तो आप इसके कार्य को करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव किसको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे अब हमेशा तौर पर पूछा जाता है बहुत ही इजिली, कि जो ये थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो यहाँ से ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर इन चीज को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का 11वां प्रश्न भी। तो 11वां हम लोग का प्रश्न है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, 11वां आपका प्रश्न है ये। देखिए जैसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। और लेकिन बस थोड़ा सा एक चेंजिंग आप लोग को मिलेगा कि प्रश्न थोड़ा सा बदला रहेगा, चीजें ऐसी रहेंगी, टॉपिक ऐसे ही आपका रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा प्रश्न का जैसे ये सीरीज जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो चेंज रहेगा। तो विकल्प नंबर ए दिया गया झेलम, बी जो दिया गया रावी, सी दिया गया चिनाब, डी जो दिया गया ब्यास। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का वो सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो
शलाल पन बिजली परियोजना जो डिस्टेंस बनाई गई थी वो चिनाब नदी पर बनाई गई है, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आपका एक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, बसंत विशु होता है, बसंत विशु कब होता है, किस दिनांक पर होता है, किस डेट पर होता है। देखिए आपका इसमें दिया क्या गया, विकल्प नंबर ए दिया गया है 21 मार्च को, बी जो दिया गया 18 जून को, सी जो दिया गया 23 सितंबर को, और डी जो दिया गया है 24 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च को वसंत विशु होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का डिस्टेंस और पूछा जा चुका है, तो किसी न किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां देखिए, अब राज्य देखिए, अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर तो मान लीजिए ऐसे पूछ दिया गया, लेकिन अगर ये पूछकर इस खेतड़ी परियोजना पूछ देता तो हम लोग उत्तर प्रदेश मार्ग पर चले जाते, लेकिन ये गलत हो जाता। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ अदर राज्यों की भी जानकारी हमें रखनी आवश्यक है। 13वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में जो आप लोगों का खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से धातु के लिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर ए दिया गया जस्ता के लिए, बी जो है इस्पात के लिए, सी जो दिया गया तांबा के लिए, और डी जो दिया गया आप लोगों का इसमें एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से वो है डिस्टेंस तो ये तांबा के लिए है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तांबा के लिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। देखिए कोई भी परियोजना, देखिए ये यहाँ परियोजना के बारे में पूछ दिया, कोई जरूरी नहीं कि अब आपसे फिर यही पूछा जाएगा। वो देखिए प्रश्न वही रहेंगे, मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा आपका परियोजनाओं को चेंज करके बात कर लेगा, ठीक है ना डियर। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 में देखिए राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान से स्थित इस बार भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि इस बार आप बच जाएंगे, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, विकल्प नंबर ए दिया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। विकल्प नंबर बी जो दिया गया असम में, और विकल्प नंबर सी जो दिया गया है वो पश्चिम बंगाल में, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है केरल में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है आप लोगों का, असम राज्य है, असम राज्य में, ठीक है ना। ये पूर्वी राज्य है डिस्टेंस, भारत का पूर्वी राज्य है, और असम की राजधानी जानते ही आप लोग दिसपुर है। और इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री असम के कौन है, इसका जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, प्रश्न को ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। विकल्प नंबर ए जो पहला दिया गया कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें जो दिया विकल्प नंबर ए दिया गया पहला और दूसरा, ठीक है, और दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो हिमालयी नदी तंत्र के रूप में देखिए यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात होती है, कावेरी और गोदावरी को जानते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में इनको गिना जाता है, दक्षिण भारत की नदियां हैं, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालयी नदी तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, ये सभी प्रश्न चर्चा में रहने वाले प्रश्नों को ही आपके एग्जाम में रखा जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आइए इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स से भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। विकल्प नंबर जो आपका ए दिया गया है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बी जो दिया गया अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी जो दिया गया बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और डी जो दिया गया देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। बैंक रेट मीन्स यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी होगा आप लोग का वो करेक्ट हो जाएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी आरबीआई के अंतर्गत ही काम करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही, ठीक है ना। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर के जो होती है वो बैंक दर का अर्थ यही निकल कर आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, और सीधा सीधा है और बहुत ज्यादा घुमाया हुआ ये प्रश्न नहीं है, सीधे सीधे जानते हैं कि हाँ केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ही बात।
तो सीधा सीधा डिडक्शन से यहाँ पर आप लोग का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो प्रश्न संख्या 17 को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 17 प्रश्न है आप लोग का, आरबीआई से ही संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या कौन है आप लोग का? 17। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? 17वां आपका प्रश्न है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? तो यहाँ विकल्प नंबर ए दिया गया, कोई असर नहीं होगा। बी जो दिया गया, घट जाएगी। सी जो दिया गया है, बढ़ जाएगी। और डी जो दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिवेशन सी, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो आरबीआई नगद कोषानुपात को यदि घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो वो सीधा सीधा जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, डिवेशन महत्वपूर्ण है। और जो इंग्लिश मीडियम के डिवेशन हैं वो अगर इंग्लिश प्रश्न इंग्लिश मीडियम से अगर वो टच करेंगे तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना विकल्प जो है वो मिला लेंगे उसी अनुरूप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चन नंबर लोग का 8 है, तो 8 जो दिया गया, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं तथा और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? विकल्प जो ए दिया गया, पूंजीवादी। बी जो दिया गया, समाजवादी। सी जो दिया गया, मिश्रित। और डी जो दिया गया, वैश्विक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। तो 18वां जो आप लोग का प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखिए विकल्प जो दिया गया इसमें, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी, ठीक है ना। तो पूंजीवादी जो अर्जित लाभ करना क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो पूंजीवादी के रूप में होता है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कम जो अर्थशास्त्र के बच्चे होंगे उनके लिए तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अब देखिए पॉपुलर क्वेश्चन आपका फिर आ गया। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए का नोट जो होता है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो सीधा सीधा 100 रुपए का नोट आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ विकल्प नंबर ए, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, तीनों का तीनों। देखिए अजीब लग रहा है, विकल्प नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइए डिस्कशन, एक उत्तर में बताइए कि वर्तमान समय में इस समय जो है वो आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न का उत्तर है हमें जरूर बताइए, किससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं आप लोग के लिए और आप बेहतर तरीके से आप लोग के लिए और वर्क करता रहूं। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, तो 20वां हम लोग का प्रश्न है और फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, ठीक है ना। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या है ये हम लोग का देखिए यहाँ पर प्रश्न है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। बी जो दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी जो दिया गया, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। और डी जो दिया गया, एसोसिएशन। और डी जो दिया गया, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो यहाँ पर जो 20वां प्रश्न जो दिया गया आप लोग का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फेमा का जो फुल फॉर्म होगा वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फुल फॉर्म में देखिए कोई ना कोई आपसे रिलेटेड एक जरूर पूछता है। निवेशन सेशन देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यदि हम लोग पूरे के पूरे प्रश्नों पर बात करते हैं, अलर्ट करने चले जाए तो यहाँ पर मैं इस सेशन को रोकता हूँ। अगर पूरा का पूरा मैं पार्ट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा एक साथ भी, लेकिन फिलहाल मैं आप लोग यहाँ पर 20 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देख लिए। अब मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपने 20 प्रश्नों का फिर से डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा और फिर मैं पूरा आप लोगों को एक साथ सभी प्रश्नों का भी करा दूंगा, ठीक है डिस्कशन। और एक साथ मेंबर्स करके भी आप लोगों को करा दूंगा जैसी आप लोग की डिमांड रहेगी। और उसके साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और नियमित तौर पर अपने सुझाव भी हमें जरूर देते चलिए। और डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक नंबर मिलेगा आपको 950-690-285-7। उस नंबर से सभी लोगों को अवगत जरूर कराइए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ जो दूसरे दूर दराज के बच्चे हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें और वो जी 0 रुपए पर बस कुछ MB खर्चा करके वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। तो डियर सन्स, डीजे सर चैनल का साथ भी आप लोग जरूर दीजिए ताकि आप लोग भी अपने मंजिल पर बेहतर तरीके से पहुंच सकें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।